खांदा दिल होवे जे फिर के करो फिर हिम्मत ते करो आज बेक बिजली दा बिल ना सकदे हो वेक ते देख चेच दे ओ चंगा फिर सेक ब्रांड दा मसला ते होया हल है बड़ाई पर केड़ा ए वी ते गल है थोड़ी जी ठड हुई अज कल है ते इस विच लगदी काफी नाल वल है चलो फिर अज कॉफी केक बनाइए चा नाल सारियां दी मौजां कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं बम्बई कॉफी केक। तो चलिए इस जबरदस्त केक को बनाना शुरू करते हैं। टू टीस्पून कॉफी और हाफ टेबल स्पून बॉइलिंग मिल्क का एक मिक्सचर बना के आप साइड पर रख दें। रूम टेम्परेचर पे आपने मक्खन लेना है। ये मक्खन है तकरीबन 125 ग्राम। इसमें हम 75 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे और साथ ही 50 ग्राम आइसिंग शुगर डालेंगे। ये आइसिंग शुगर घर की आम पिसी हुई चीनी है जिसको आप अच्छी तरह छान लें। साथ ही इसमें जाएगा चौथाई चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच वनीला एसेंस। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा स्पैचुला से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम बीट करें तो शुगर उड़े नहीं। फिर बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है और साथ साथ साइड से स्पैचुला की मदद से बाउल को साफ करते जाना है। जब मिक्सचर लाइट एंड फ्लफी थोड़ा सा हो जाए तो उसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे, फिर थोड़ा सा बीट करेंगे, फिर 3 अंडे एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। मैदा ले लें 125 ग्राम और उसमें बेकिंग पाउडर डाल दें 1 चाय का चम्मच और इसको मिक्स करके एग वाले मिक्सचर में डाल दें। इस बैटर को आप हल्के हाथों से मिक्स कर लें। अब उसमें वो कॉफी और दूध का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दें और अगेन मिक्स कर लें। छः इंच का राउंड पैन लिया है, उसमें बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसमें ये बैटर डाल देंगे। डेगचे को प्री हीट कर लिया था हाई हीट पे 20 मिनट्स के लिए। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम केक को बेक करेंगे 35-40 मिनट्स के लिए कि यह जब तक केक जो है वो डन नहीं हो जाता। लेकिन एक बात याद रखें कि कभी भी ओवन में या डेगचे में जब आप केक को बेक करें तो 30 मिनट से पहले आप ढक्कन ना उठाया करें डेगचे का और ना ओवन का डोर ओपन किया करें। रूम टेम्परेचर पे बटर ले लें 118 ग्राम, उसमें 168 ग्राम आइसिंग शुगर डाल दें, साथ 50 ग्राम मिल्क पाउडर भी डाल दें। मिक्सचर को पहले स्पैचुला से थोड़ा मिक्स कर लें ताकि फिर आइसिंग शुगर और मिल्क पाउडर उड़े नहीं। बीटर से अच्छी तरह बीट करें कि ये लाइट एंड क्रीमी हो जाए। 1 चाय का चम्मच कॉफी में आधा चाय का चम्मच बॉइलिंग मिल्क डाल के एक मिक्सचर बना के इस आइसिंग मिक्सचर में डाल कॉफी मिक्सचर डाल के इसको अगेन अच्छी तरह बीट करें। केक को ठंडा होने के बाद आप पैन में से निकाल लें। मैंने इसकी सबसे टॉप लेयर जो थी बिल्कुल बारीक सी थोड़ी सी साइड पर रख दी थी क्रम्स बनाने के लिए और बाकी केक की मैंने 2 लेयर्स काट ली थी। हाफ कप मिल्क में 3-4 टेबल स्पून शुगर ऐड करके आप एक सिरप सा बना लें और लेयर्स को अच्छी तरह उस सिरप से सोक कर लें। नीचे वाली लेयर को सोक करने के बाद उसके ऊपर क्रीम फिलिंग रखें, फिर दूसरी लेयर रखें और अगेन वही सिरप से सोक करें। दूसरे केक को भी मिल्क सिरप से सोक करके पूरे केक पे क्रीम लगा दें और जबरदस्त सा बम्बई कॉफ़ी केक तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।